अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं स्टफ बेल पेपर। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है, ये मटन का कीमा है, और ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। 4 टेबलस्पून के बराबर हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। अब हम इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। सौते कर लेते हैं। देखो हमारा प्याज सौते हो गया है। अब हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसके अंदर कीमा डाल देंगे। अब हम इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेते हैं, फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर गर्म मसाला पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अब हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर इसको थोड़ा सा पानी डाल के जब तक कि प्रॉपरली कुक नहीं हो जाएगा तब तक हम पकाएंगे। इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे और इसको हल्की आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक हमारा कीमा प्रॉपरली कुक ना हो जाए। कुक होता फिर मैं आपको नेक्स्ट सिखाती हूँ हमें क्या पता। ये देखिए हमारा कीमा प्रॉपरली कुक हो गया। अब मैं अपना चूल्हा बंद करती हूँ और फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने बेल पेपर ले लिए हैं। अब इसको हम कट करते हैं। एक ले लेंगे। सीरीज हम निकाल लेंगे सारे, उसको अंदर से साफ कर लेंगे। इसके बाद उसको हम साइड पे करते हैं। अब हम इसी तरह नेक्स्ट भी कर लेते हैं। इसको हम बस यहाँ से ये पकड़ेंगे और ये हमारा सारा बाहर आ जाए। देखिए इस तरह इसी तरह मैं बाकी भी कर लेती हूँ। ये देखें ये हमने सारे ऊपर से काट लिए और अंदर से हमने इसको खाली कर लिया है। ये 3 तरीके से बनाई जा सकती है। एक तरीका ये कि आप सिंपल इसके अंदर ये जो हमने कीमा बनाया है वो इसको फिल करके ऊपर इसके चीज़ डाल के उसको बेक कर लें। सेकंड ये कि हम बॉयल करके चावल वो उसकी लेयर लगा दें इसके अंदर। और थर्ड ये है कि हम अगर मैक्रोनीस पसंद है तो वो अंदर डाल के उसकी लेयर लगा दें। हम आज 2 तरीके से बनाएंगे। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, उसको हमने जैसे सिंपल चावल आम घर में बनाते हैं वैसे बनाए हैं। अब हम इसको इसके अंदर फिल करेंगे। दो को हमने चावल से फिल कर लिया। अब इसके ऊपर मैं ये जो हमने कीमा रेडी किया था वो डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने फिल कर दिया। अब इन दो को हम खाली जो हमने कीमा रेडी किया है उसके साथ फिल कर लेते हैं। अगर आपको वेजिटेबल पसंद है तो आप इसके अंदर वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। ये देखिए सारे मैंने फिल कर लिए। अब हम इसको एक बेकिंग ट्रे में लगाते हैं। ये देखिए मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है। अब हम इसको इस तरह बेकिंग ट्रे के अंदर लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। ये देखिए मैंने सबके ऊपर चीज़ डाल दी है। मैंने ओवन को 180 पे 10 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए लगा दिया था। अब हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप जैसे हम केक बेक करते हैं सेम उसी प्रोसेस के साथ आप इसको बेक कर लें। ये देखें हमारे स्टफ बेल पेपर बेक हो गए। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। जो हमने सिंपल जिसके अंदर हमने चावल या मैक्रोनीस डाल उसका आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मज़ेदार रेसिपी है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।